बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स, ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और हम करेंगे आज इसकी एक्सरसाइज 6.9। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमारे पास जो है ना वो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस गिवन है, मतलब हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है, तो हमने इनके कोफिशिएंट्स को जो है ना उस मेथड से हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है जो है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, मतलब कोफिशिएंट्स को जो है वो इक्वल करके, तो जब कैंसिल आउट होते हैं वो वाला। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। ठीक है जी, यह हमारे पास गिवन है टू इक्वेशंस, और अब हमने इन ये वाला मेथड यूज करके इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ना, हमने कोई दो से जो कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट्स मतलब के ये जो वेरिएबल के साथ लगते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स सेम करने लगे हैं, कर देने हैं, या एक्स के कोफिशिएंट्स सेम कर दें या वाई के कोफिशिएंट्स के सेम कर दें, जो आपको इजी लगता है, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग एक्स के करेंगे। कैसे, इधर टू एक्स है और इधर जो है ना, अगर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है ये वन एक्स है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन के सारे टर्म्स को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो एक्स है ये टू एक्स में चेंज हो जाएगा। फिर हम बाद में उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे तो उसके ऊपर जाके तो हमारे पास आंसर आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये जो है ना हमारी होगी इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू बाय टू, तो क्या बन गया टू एक्स, और टू को टू से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय टू इज एट। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है इन दोनों को रखेंगे साथ, टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू माइनस वन, टू एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एट। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वाली जो इक्वेशन है ना उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब अगर ये प्लस था ना, ठीक है, ये प्लस टू एक्स है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस फोर वाई है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस एट है तो ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो होती है ना नीचे वाली इक्वेशन, उसके साइन चेंज हो जाते हैं हर टर्म के, और अब हम यूज करेंगे नीचे वाले साइंस, माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई और माइनस एट। तो टू एक्स और माइनस टू एक्स कट गए एक दूसरे से, फाइव प्लस फोर नाइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस एट माइनस नाइन, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस नाइन डिवाइडेड बाय नाइन y इज इक्वल टू माइनस वन। ये हमने फाइंड कर ली y की वैल्यू। अब हमने फाइंड कर ली है x की वैल्यू। x की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे कि किसी भी जो इक्वेशन है ना वन टू या थ्री उसमें y की वैल्यू कर देंगे पुट। तो हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन में पुट x माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब हमारा y माइनस वन आया तो x माइनस टू और y की जगह आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू फोर। ठीक है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और यह है हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो है वो राइट हैंड साइड के साथ जो है वो एंड में जब हम चेक करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका भी मेथड बताएंगे हम। एक्स माइनस टू इंटू माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन इज इक्वल माइनस माइनस प्लस और टू वन जार टू इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू फोर, इधर प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब अगर आपने चेक करना है कि आपकी जो वो इक्वेशन जो है आपके पास जो आंसर्स आए हैं वो सही है कि नहीं, तो हम जो है ना दोनों के वैल्यूज पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। जैसे अगर इसी में कर दें एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, ये हमारी राइट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऐड करेंगे, ये एक्स की जगह टू आ गया और टू इंटू और ये माइनस वन आ गया इज इक्वल टू फोर टू, और ये जो है ये हो जाएगा प्लस टू क्योंकि माइनस 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 इंटू माइनस इज टू प्लस इज इक्वल टू फोर, तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर
तो हमारे पास ये जो है ना राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने हमें पता चल गया कि हमारे जो आंसर्स हैं वो ठीक आए हैं, वो करेक्ट थे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर टू। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने जो है मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स हमने जो है वो यूज करना है और हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने किसी एक वेरिएबल के जो है ना कोफिशिएंट्स हमने उनको इक्वल कर लेना है। तो जैसे आप देख रहे हैं एक्स के पीछे भी जो है वो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमें अंडरस्टूड है कि ये वन इधर पीछे वन है, ठीक है, और इधर भी पीछे वन है, तो हमारा एक्स का कोफिशिएंट भी सेम है और वाई का कोफिशिएंट भी सेम है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है ना वो बगैर किसी मल्टीप्लीकेशन के हम दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे दोनों इक्वेशंस को, और हम इसको ऐड कर देंगे। जब हम टू इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज नहीं होता, हम लोग उसको वैसे ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई कट गया आपस में, टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू। ठीक है, ये हमने इक्वेशंस को ऐड किया, 2x is equals to 2, 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x is equals to 1, हमने फाइंड कर लिया x। अब हम x की वैल्यू जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में जो है वो पुट करके तो हम फाइंड कर लेंगे y की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं x minus y is equals to 0, 1 और minus y is equals to 0, जो 1 है वो उस साइड पे चले जाएगा minus y इक्वल टू, और ये इधर प्लस वन है उस साइड पे जाके माइनस वन हो जाएगा। दोनों साइड पे जब माइनस हो तो दोनों कट जाते हैं, वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है, हमारे जो दोनों आंसर हैं वो सही आए हैं कि नहीं। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू है वन, वाई की वैल्यू है वन, इज इक्वल टू जीरो, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस तरह हमने जो है वो हमें पता चल गया कि हमने वेरीफाई करने के हमारे जो आंसर है वो करेक्ट आया कि नहीं। तो अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट कोई। अब हम करेंगे पार्ट नंबर सिक्स इस क्वेश्चन का। थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू सेवन, फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन। ठीक है, अब हमने जो है मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स हमने यूज करके तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर दी है। सबसे पहले हमने जो है इसके किसी एक को चूज करके हम उसका कोफिशिएंट जो है वो इक्वल करना है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग फोर, अगर हम लोग वाई को देखें, नहीं अगर हम लोग एक्स को ही देख लें, ठीक है, तो सबसे पहले जो ना हम इन कोफिशिएंट्स का जो है ना वो एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये एक्स जो है वो वेरिएबल है, उसके पीछे जो है वो कोफिशिएंट है, हम लोग कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेंगे। तो जब हम कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेंगे, थ्री और फाइव है, ठीक है, तो थ्री वन जर थ्री, ठीक है, और फाइव वन जर फाइव, तो ये जो है ना हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग जो है ना ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर वन, ये हो गई क्वेश्चन नंबर टू। अब हमने इस इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे जो थ्री की जो वैल्यू है ना इधर थ्री एक्स वाले थ्री की वो फिफ्टीन हो जाए, और हमने फिर इस इक्वेशन को भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे एक्स का जो कोफिशियंट है ना वो फिफ्टीन हो जाए। ठीक है, तो थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन, तो हम जो है ना इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव से, तो थ्री फाइव जर फिफ्टीन, फोर फाइव जर ट्वेंटी, सेवन फाइव जर थर्टी फाइव, इसका हम नाम रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, तो थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन, तो हम लोग इसको इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई बाय थ्री, फाइव थ्री जर फिफ्टीन और एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री, 21 और 2 3 6
टू थ्री जार सिक्स और एट, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 81, तो ये इधर हो गया 81, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 5 15, 4 5 20, 7 5 35, 5 3 15, और इधर आ जाएगा 3y, ठीक है, और इधर आ जाएगा 27 × 3 = 81, ठीक है। अब हमने जैसे क्या आप देख रहे हैं x का जो कोफिशियंट है ना वो सेम हो गया 15x और 15x, तो अब ये हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x के जो है ना साइंस वो सेम है, तो इसलिए फिर हम साइन ओवरऑल साइन चेंज करने के लिए हम उसकी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो इसमें जो है नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर ये अगर 15 + 15x है ये -15x हो जाएगा, +3y ये माइनस हो जाएगा, +81 हो जाएगा -81, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, 15x से कट गया, -20 - 3 - 23y, और ये है 35 - 81, 23y = 2, तो ये हो गया जो है 7, और 7 - 3 = 4, हो गया 46 - 46, ठीक है। हमने इधर +46 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास जो लार्जर क्वांटिटी थी, जो लार्जर नंबर था, उसका वैल्यू जो है ना वो हमेशा साथ आता है, तो इधर जो लार्जर वैल्यू का जो नंबर है वो आ गया माइनस जो साइन है उसका। तो इधर जो है सबसे पहले तो दोनों साइड्स के जो माइनस है वो कट जाएंगे आपस में, और ये 46 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y = 23 1 23 23 2 46, तो आ गया हमारे पास आंसर y = 2, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू हम ऐसे करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं 3x - 4y = 7, 3x - 4y की वैल्यू 2 = 7, 3x - 8 = 7, 3x = 7 +8, 3x = 15, इधर 3 मल्टीप्लाई आ रहा है जाकर डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, 15/3 x = 5, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया x = 5। अब हम करेंगे इसकी चेकिंग, ठीक है। इधर इस साइड पे इसको चेक करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में जो है ना वो दोनों x और y के वैल्यूज डाल देंगे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं 3x - 4y = 7, ये हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है 5, y की वैल्यू 2 = 7, 3 5 15 8 3 - 8 = 7 7 = 7, तो इस तरह हमने जो है वो चेक कर लिया कि हमारा जो आंसर है वो सही आया कि नहीं। इस तरह हमने जो है वो 3 पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे पार्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएंगे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।